हे एवरीवन, सो फ्रेंड कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। सो फ्रेंड, आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है जो भी नीट 2024 में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने एक चीज़ यहाँ पर फाइनल कर दी है कि नीट 2024 में करीबन 157 न्यू मेडिकल कॉलेजेस पार्टिसिपेट करेंगे, जो कि एकदम न्यू होंगे। और इनमें से गवर्नमेंट ने यह भी बताया कि 108 ऑलरेडी फंक्शनल भी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो न्यूज़ है वो इंडियन एक्सप्रेस ने भी रिलीज कर दी गई है। आप इसकी हेडिंग देख सकते हैं, 157 न्यू मेडिकल कॉलेजेस अप्रूव्ड, 108 मेड फंक्शनल। और ये जितने भी मेडिकल कॉलेजेस है जो कि नीट 2024 में पार्टिसिपेट किए जाएंगे, वो 3 फेज में ओपन किए जाएंगे, जिनमें से फर्स्ट फेज में कितने कॉलेजेस होंगे, 58 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज होंगे 20 स्टेट में। मैं आपको एंड में बताऊंगा कि कौन से स्टेट किस फेज में आ रहे हैं, ठीक है। तो आप वीडियो को एंड तक देखिए, लास्ट में आपको पता चल जाएगा कि आपका स्टेट किस फेज में है और आपके स्टेट में मेडिकल कॉलेज ओपन हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसके बाद आप देख सकते हैं 24 कॉलेज ओपन किए जाएंगे सेकेंड फेज में, और कितने स्टेट में, 8 स्टेट में। उसके बाद 75 मेडिकल कॉलेज ओपन किए जाएंगे 18 स्टेट में इन थर्ड फेज। तो इस तरह से यहाँ पर टोटल 157 न्यू मेडिकल कॉलेजेस ओपन किए जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने कुछ डाटा भी दिया है कि 2014 से अगर हम अभी तक बात करें तो 82% मेडिकल कॉलेजेस में क्या हुआ, इंक्रीमेंट हुआ है। और साथ में यहाँ पर 112% मेडिकल सीट्स में भी इंक्रीमेंट हुआ है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कौन से स्टेट में मेडिकल कॉलेज ओपन होने जा रहे हैं और आपका स्टेट किस फेज में, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, तो ये देखिए आप अगर हम फर्स्ट फेज की बात करें तो फर्स्ट फेज में यहाँ पर टोटल कितने स्टेट है, 14 स्टेट्स हैं, जिसमें से देखिए आप, पहला है अंडमान एंड निकोबार, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, आसाम, उसके बाद क्या है बिहार, उसके बाद बिहार है, उसके बाद छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, जम्मू एंड कश्मीर, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड। सेकंड फेज की हम बात करते हैं, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। और थर्ड फेज की अगर हम बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश, आसाम, छत्तीसगढ़, गुजरात, जम्मू एंड कश्मीर, कर्नाटका, लद्दाख, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब एंड राजस्थान। तो इस तरह से अलग अलग स्टेट में अलग अलग फेज में मेडिकल कॉलेजेस ओपन किए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए गुड न्यूज़ है, और इसका कट ऑफ पर भी फर्क पड़ेगा। तो ऑब्वियसली बात है, यहाँ पर थोड़ी कट ऑफ, अब वो तो देखो कट ऑफ हालांकि एक चीज पर डिपेंड नहीं करती है, वो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स पर डिपेंड करती है। इसके अलावा कितने मेडिकल कॉलेज की सीट है, हालांकि यहाँ पर सीट तो इंक्रीमेंट हो रही है, लेकिन यहाँ पर कुछ और अदर फैक्टर होंगे जो क्या करते हैं, कट ऑफ को डिटरमाइन करते हैं। तो कट ऑफ के रिगार्डिंग हम बाद में बात करेंगे जब एग्जाम हो जाएगी, लेकिन हाँ आपके लिए ये जो सीट बड़ी है इसका आपको जरूर जरूर क्या मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ है, और इस तरह की गुड न्यूज़ मैं अपने चैनल पर लाता रहता हूँ। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।